हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन एकेडमी। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपके बीट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप जितने लोग चैनल से जुड़े होंगे पर डे क्लासेज को देखते होंगे, और जितने लोग चैनल पर नहीं होंगे ना गाइज, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपने चैनल लेसन एकेडमी पर ना बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं बीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके इस बार एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करें और आपका गवर्नमेंट कॉलेज एक सीट क्या हो जाए, पक्का हो जाए, तो इसके लिए आप सभी को पर डे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और आपके अपने चैनल लेसन एकेडमी में पर डे एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के क्लास में वो धमाकेदार क्वेश्चन क्या है जीके के। तो गाइस, अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवा दीजिए गाइस। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? इस्माइल शाह महमूद सुगवा, अहमद शाह हसन गंगू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा। तो गाइज, आप जितने लोग भी सोच रहे होंगे ना कि चलो अभी टाइम है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए या फिर बीएड के पढ़ाई करने के लिए, तो टाइम कब खत्म हो जाएगा आप सभी को पता नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर स्कोर करें तो पढ़ाई आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, वो टाइम कब व्यतीत हो जाएगा आप सभी को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, नजीर शाह, अमीर शाह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको जफर खान भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांदी बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। नेक्स्ट है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या था? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र, कृष्णगिरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वार समुद्र। नेक्स्ट है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ओडिशा के छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा। नेक्स्ट है कि मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आदिल शाह द्वितीय, फिरोज शाह प्रथम, मोहम्मद गवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपने मर्सरावी गैलरी के लिए क्या है प्रसिद्ध है? महमूद गवा का, इस्माइल, आदिल शाह का या फिर राणा कुंभा का या राणा रत्न सिंह का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर, इसको बना लीजिएगा मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवा या फिर मुशिफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद आदिल शाह। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज, अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवा दीजिएगा। आपके अपने चैनल लेसन एकेडमी पे आपका हिंदी, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, और आप सभी को दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर सकते हैं फ्री आपका, आप सभी से कोई चार्जेज नहीं लिए जाते, चार्जेज बस यही है कि जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा प्रताप, राणा संगा या राणा हमीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, इस ऑप्शन में है ही नहीं, आप लिख लेंगे राणा कुंभा। किसने करवाया था? राणा कुंभा। ठीक, आंसर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या बप्पा रावल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली,
झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह, या फिर अकबर? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या राणा प्रताप सिंह? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आप सभी को आई होप पता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं के बाद? आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सीक्वेंस। जैसे कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी, बाबर। तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, काबुल, लाहौर या दिल्ली? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज या चौसा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। कौन से ईस्वी? 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हुमायूं को किस युद्ध में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा, खनवाना पड़ा था? ये लिख लीजिएगा कि भागना पड़ा था, ठीक, कन्नौज के या फिर पानीपत के, गोगरा या खानवा के। तो हुमायूं को किस युद्ध के पश्चात पराजय के बाद भारत से क्या हुआ? भागना पड़ा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष को लड़ा गया था? 1540, 1545, 1526 या 1539? तो जिसने अगर कंसल्टेट होकर क्वेश्चन को देखा होगा तो आंसर क्या था उसी में था। तो कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के दौरान में भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसाल में ढाला गया था? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। तो गाइज, अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ से, यानी अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेके आती हूँ, ताकि आप सभी अच्छे से तैयार कर सकें, अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्या करें एकदम टॉप पे आए और अच्छा क्वेश्चन और अच्छे कॉलेज में आप सभी का क्या हो जाए, एडमिशन हो। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि अभी हमारे पास टाइम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। पर डे कंटिन्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। जैसे कि टंका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर या हुमायूं? तो टंका या रुपया जो था किसके शासनकाल में चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अशोक ने, शेरशाह सूरी, अकबर ने, हुमायूं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है कि कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अबकबर की मृत्यु कितनी थी? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष से भी? तो कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की जो उम्र थी कितना था गाइस, कितने वर्ष था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 वर्ष का क्या था अकबर था जब वो राज्य अभिषेक यानी राज्य का कार्यभार संभाला, तो कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन टोडरमल? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही की मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा,
पैसिफिक मैत्री, वैश्विक भरोसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य बस यही था कि विश्व बंधुत्व का उद्देश्य था। तो गाइज आप सभी को पता हो, अगर पता होगा कि दीन इलाही की स्थापना किसने की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था, टोटलमल, बीरबल, तानसेन या फिर मानसिंह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल ने। देखते हैं कि वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, हेमचंद को, हरिविजय, वस्तुपाल को या भद्रबाहु को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हरिविजय को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य के मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, एक चौथाई, एक तिहाई, आधा या पाँचवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तिहाई। तो गाइज आज की क्लास में जीके के टॉप 30 क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को समझ में आएंगे। समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी के 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए गाइज। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही मज़ेदार एकदम अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।